वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो या आज मैं लेके आई हूँ फिर से वंस अगेन मिस हॉल पार्ट टू, जो कि जो मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था वो बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे और कुछ सामान लेना था मिसो से तो मैंने लिया है, तो सामान आ भी चुका है तो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी ये भी, तो देखते कैसा है ये सामान जो भी मैंने लिया है। सो बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं किचन के। मैंने कुछ सामान लिया है, कुछ मतलब दो सामान लिया है, तो वो दिखाती हूँ मैं पहले आपको। सो फर्स्ट है, ऑलरेडी मैंने अनपैक किया हुआ था, खोला हुआ था, तो मैं अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखाऊंगी, जो है सामान रियल में वो दिखाऊंगी, और जो रियल पिक्चर है वो साइड में वो आप देखिएगा विद प्राइस। ये रहा, ये है कंटेनर जो कि मुझे ज़रूरत था, मुझे कम पड़ रहा था तो मैंने और लिया है। एक्चुअली जो मैंने कंटेनर ऑलरेडी लिया हुआ था वो मैंने शॉप से ही जाके लिया हुआ था, तो कम पड़ गया तो इसलिए मुझे लेना था तो मैंने ले लिया बहुत अच्छे प्राइस में, वो आप देख सकते हो। तो इसका क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, चार पीस है, और इसका बट थोड़ा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कि मतलब खोलने और बंद करने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उतना नहीं, मतलब थोड़ा मेहनत करके खोलना पड़ रहा है आपको, इजीली नहीं खुलता है या बंद होता है। सो बट ठीक ही लगा मुझे, अच्छा ही लगा। सो ये है फर्स्ट प्राइस। अब सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको, ज़रूरत के सामान ही मैंने लिया है, तो सेकंडली ये जो किचन में आपको यूज़ होगा, तीन पीस मिला है मुझे इसका, थ्री पीस अच्छे प्राइस में मिला है मुझे, तो मैंने ले लिया है, जो आप कुछ भी इसमें रख सकते हो यहाँ पे हैंग करके, जो बर्तन है वो सब। तो ये रहा, क्वालिटी अच्छा है इसका, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो अब किचन के मैंने दो ही सामान लिए हुए, होम डेकोर के कुछ सामान जो मैंने लिया है और मुझे पसंद आया है, बट देखते हैं क्या आपको कैसा लगता है। सो फर्स्टली वेलकम टू आवर होम, ऐसा है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले देखा हुआ था ये, बट लू या ना लू हो रहा था, तो फर्स्टली जब जो आपने फर्स्ट वाला मिस कॉल देखा होगा उसमें नहीं था। यहाँ बहुत अच्छा है, बैक साइड ऐसा है, तो ये आप हैंग कर सकते हो हॉल में। तो मुझे तो अच्छा लगा, ये प्राइस के हिसाब से अच्छा है। अब सेकेंडली, तो सेकेंडली मैंने लिया है फ्रेम जो मुझे जरूरत था, तो मैंने लिया है दो टाइप में, दो पीस मतलब अलग अलग डिजाइन में लिया है मैंने। इसमें पहले ये दिखाते हैं, तो आपको मिलेगा इसमें एक डिजाइन में तीन पीस आपको मिलेगा, फर्स्ट ये अच्छा लगा मुझे पेंटिंग तो मैंने ये चूज कर लिया, और इसके साइड में आप ये साइड में आप ये चिपका सकते हो, और इसको आप लाइक
चिपकाने के लिए दिया हुआ है, ये डबल टैप गम है शायद ये। आपको हैंग करने की जरूरत नहीं है तो आप इसको चिपका सकते हो वॉल पे। ओ, ये भी मुझे अच्छा लगा। दूसरा वाला इसका जब मैंने रियल पिक्चर में थोड़ा मतलब और अच्छा लगा था, मतलब अभी जब मैंने ये अनपैक करके देखा तो अच्छा ही है बट पिक्चर में और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा है मुझे। इसका भी आपको वैसे ही सेम मिलेगा चिपकाने वाला। सो ठीक ही है, अच्छे लगा। ये मुझे पहले से देख रही थी बट मैं ऑर्डर ही नहीं कर पाई थी पता नहीं क्यों। तो फाइनली ये रहा, बहुत सारा मैंने ऐसा देखा हुआ था, वेलकम के लिए भी था, किचन के लिए भी था, हॉल के लिए भी बहुत आपको ऑप्शन मिलेंगे बट मुझे ये अच्छा लगा। इसमें लिखा हुआ है गायत्री मंत्र है, ये आप देख पा रहे हो। सो ये मैं हैंग करूंगी मेरे मतलब छोटे सा मंदिर है उसके सामने। सो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा, हैंग करने के लिए ये भी दिया हुआ है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा फ्लावर पॉट जो भी लाइक आर्टिफिशियल आपको पॉट मिल जाएंगे छोटे छोटे, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी आपने अगर देखा नहीं हो तो प्लीज जाके आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। जो मेरा फर्स्ट मिसो हॉल था वो, उसमें मैंने फ्लावर जो मैंने आर्टिफिशियल है वो उस वीडियो में है तो वो मैंने रखा हुआ है। इसमें मैंने एक नहीं मुझे दो पीस मिला है। सो अच्छा है भी हॉल के लिए। हॉल रूम आप कहीं भी रख सकते हो, ये बहुत प्यारा लगेगा। तो अब नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छा है, बहुत कलरफुल है, ये रहा। तो ये रहा जो कि बहुत प्यारा लगा था मुझे फोटो में, तो रियल में भी बहुत प्यारा है। आपको और सुनाई दे रहा हूँ, तो मुझे दो पीस मिला इसमें, ये और ये कलर में ब्लू एंड ऑरेंज। इसमें बहुत मिक्स्ड है कलर, यहाँ पे येलो रेड वाइट और यहाँ पे ब्लू ग्रीन रेड वाइट कुछ। सो बहुत अच्छा लगा है मुझे। फ्लावर्स कर चुके हैं, ये रहा
जो मैंने नेक्स्ट लिया है ये मैं हॉल के लिए मैंने लिया है, अपने हॉल के लिए हैंग करने के लिए, ये अच्छा दिखेगा। सजाने के लिए हैंग करने के लिए ये रहा, बट इसमें थोड़ा डिसअपॉइंट में क्या हो रही हूँ कि इसका जो है ये फ्लावर ये निकल जाता है बार बार, अभी तो यहाँ पे ये लोग ने ऐसे करके डाला हुआ, ये शायद इसमें थर्मोकॉल है, इसके अंदर ये जो क्रीम आपको दिखाई दे रहा है इसमें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आपको दिखाई दे रहा होगा खाली, तो मेरे पास नहीं है फ्लावर बताने का है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, बाकी ठीक है। एक्स्ट्रा चीज लिया है वो है कैंडल, ये है अरोमा कैंडल, इसका जो खुशबू है बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, तीन पीस मुझे मिला है, ये रहा। तो इसके साथ में और मैंने कैंडल्स लिया हुआ है, सो लास्टली ये है, ये भी कैंडल है छोटा थोड़ा हार्ट शेप में, तो उठाती हूँ ये रहा, नहीं इसका कुछ नहीं है। सो आप ये जो मैं जलाऊंगी मतलब यूज करूंगी वो आपको देखने को मिलेगा, यस ब्लॉग ब्लॉग में आपको देखने को लिए मिलेगा। तो जो भी आज मैंने आपको दिखाया शेयर किया मीशो प्रोडक्ट्स जितने भी होम डेकोर के हो या किचन के सामान हो, मुझे ठीक ही लगा, मतलब अच्छा ही लगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो और अच्छा था, तो ये सेकंड है ये भी अच्छा था, तो इतना ही था आज का मेरा वीडियो और मीशो हॉल, आपको कैसा लगा हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो और अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगर आपको मेरा फर्स्ट मीशो हॉल देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा। सो आज इतना ही था, सो मिलते हैं आपको आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू सून गाइस, बाय।